नेतागण भी मिली भगत करके, उनको ना उचित वेतन दे पाते हैं, ना उनको श्रम संबंधी जो कानूनों के अंतर्गत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। साथ ही हमारे को आरक्षण का भी लाभ अभी तक 75 वर्षों में नहीं मिल पाया। जातियां सफाई का कार्य कर रही हैं, उपजातियां, उनका बहुत शोषण हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा के कारण बहुत शोषण बढ़ गया है। हम लोगों का राजनीतिक विकास भी नहीं हो पा रहा, जो मूलभूत हमारे पिछड़ेपन का कारण है। मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं चाहते कि सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। सामाजिक समरसता हमारे लिए भी होनी चाहिए, हमारे लोगों को भी सरकारों में उच्च पदों पर बैठाना चाहिए, केवल सफाई के कार्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे अन्य समाज के लोगों ने अपने कार्यों को छोड़ा है और दूसरे कार्यों में गए हैं, तो श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा लगाई जाए, भगवान वाल्मीकि जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, कि हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हों या स्टेट के आयोग हों, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं सिविक सेंटर में हूँ। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के तहत आज एक यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ से पूरे देश से वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग आए थे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी स्टेट से, अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन वाल्मीकि कम्युनिटी ने किया। ऐसे में मकवाना साहब मेरे साथ हैं, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के 25 वर्ष रजत जयंती समारोह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया सिविक सेंटर नई दिल्ली में। पूरे देश के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो वाल्मीकि समाज को बहुत प्यार और स्नेह और सम्मान देते हैं। उन्होंने प्रयागराज कुंभ में पांव तक धोने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया स्वच्छकारों को। कोरोना के समय जब सफाई कर्मचारियों ने राष्ट्रहित में सभी के जीवन को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बलिदान दिया, तो उस समय भी कोरोना योद्धा के रूप में उनको सम्मानित करने का आह्वान देशवासियों से किया। साथ ही हमने आज जो वाल्मीकि समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, अखिल भारतीय सामाजिक समरसता मंच के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्याम जी प्रसाद जी इस कार्यक्रम में रहे, नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद, लेबर डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट की कमेटी है उसमें आप सदस्य भी हैं, दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के मंत्री राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि जी ने आकर कार्यक्रम को संबोधित किया। पूरे समाज में आज उत्साह का वातावरण था। साथ ही हमने इस सम्मेलन के माध्यम से जो पूरे देश में आज कांग्रेस ने एक समस्या खड़ी करी थी 2006 में, जब छठा वेतनमान लागू हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार ने फोर्थ क्लास के पद खत्म कर दिए थे, जिसके कारण पूरे देश में सफाई कर्मचारियों का रोजगार छिन गया था। आज हमने इस सम्मेलन के माध्यम से ये मांग की है और पूरे सदन ने हाथ उठाकर ये मांग की है कि हम जो हैं ठेकेदारी प्रथा समाप्ति की मांग करते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन अतिथियों के माध्यम से भिजवाया है, संगठन अपने माध्यम से भी भिजवा रहा है और अतिथियों के माध्यम से भी। ठेकेदारी प्रथा देश में सफाई कार्य में समाप्त होनी चाहिए, रोजाना होने वाला अनिवार्य कार्य है और वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो है स्थायी किया जाए। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र और प्रदेश की सरकारों से कि जब ये रोजाना होने वाला काम है तो इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। समाज का कमजोर वर्ग इस कार्य को करता है, अगर ठेकेदारी प्रथा में उनको वेतन नहीं मिलेगा, तमाम मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो सरकार ने अनुमन्य की हैं, अधिकारी लोग भी ठेकेदारों से मिलीभगत करके, कुछ नेतागण भी मिलीभगत करके, उनको ना उचित वेतन दे पाते हैं, ना उनको श्रम संबंधी जो कानूनों के अंतर्गत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। साथ ही हमारे को आरक्षण का भी लाभ अभी तक 75 वर्षों में नहीं मिल पाया। सवाल भी मेरा वही है मकवाना जी कि मैं आपकी बात बिल्कुल सही, आप बिल्कुल जो भी आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आज़ादी के इतने साल हो गए, हमारे IAS नहीं है, IPS नहीं है, SDM नहीं है, DM नहीं है, क्या कहेंगे?
जो वर्तमान में है वाल्मीकि कमेटी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, आज़ादी का जब देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, आज भी हम अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना लाग लपेट के मैं कहना चाहूँगा, वाल्मीकि समाज की जो स्वच्छकार जातियाँ हैं और भी जो हमारी जातियाँ सफाई का कार्य कर रही हैं उपजातियाँ, उनका बहुत शोषण हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा के कारण बहुत शोषण बढ़ गया है, इसको जल्द से जल्द केंद्र और प्रदेश की सरकार, सफाई में नहीं सर, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, विशेषकर मैं सफाई कर्मचारियों का, आज यहाँ सम्मेलन हुआ, वाल्मीकि समाज का सम्मेलन हुआ है, तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो ये ठेकेदारी प्रथा, ये समाप्त होनी चाहिए। स्थाई, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी प्रदेशों के नागरिक हैं, सबको स्थाई नौकरियां दी जाएं, हमको मतलब बंधुआ मजदूर बनाने का काम हो रहा। हमारी जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी तो हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, कैसे मूलभूत सुविधाएं उनको दे पाएंगे? आज कहीं 5,000 रुपये वेतन मिल रहा ठेकेदारी में, अभी मैं राजस्थान में गया था, 5,200 रुपये मिल रहा। अभी योगी जी को ये बात समझ में आई है। किसको जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है और सरकारें भी जिम्मेदार है। जब सफाई का काम रोज होना वाला कार्य है तो निश्चित तौर पर इस कार्य में ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। जब अंत्योदय की हम बात करते हैं, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान और विकास की बात होती है, तो वाल्मीकि समाज सबसे निचले पायदान पर बैठा है। इसका राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अभी कोरोना आया, पहली वैक्सीन का टेस्ट किस पर हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ? सफाई कर्मचारी पर, जो एम्स में सफाई कर्मचारी था, सबसे पहली कोरोना वैक्सीन उसके लगाई। जब राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सेवा करने में हम लोग अग्रणी हैं, तो सरकारों को हमारे समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता से विचार करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार ने कुछ अच्छे कार्य भी किए, सिर पर मैला ढोने की प्रथा में, जब कांग्रेस ने 14,000 लोग पूरे देश में जो है चैन करके अरितिश्री कर दी थी, मोदी सरकार अब तक 62,000 लोगों को 40,000 रुपये अनुदान दे चुकी है और 50,00,000 तक के ऋण उनको, लेकिन उसमें बहुत सारा 100 रोजगार देने काम करता। देखिए, भ्रष्टाचार 40,000 रुपए वाले में हुआ या नहीं? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, कानून बने हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, उत्तर प्रदेश चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, चाहे जो भी हो, जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों की नीति है, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक सवाल है मेरा, अभी तक वाल्मीकि जाति का नेशनल लीडर क्यों नहीं है? 2 करोड़ वोट तो उत्तर प्रदेश में आप सरकार और सत्ता को हिला सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में समाज अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहा। कई ऐसी जातियाँ हैं जो हमसे बहुत कम आबादी में, लेकिन उनका शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, उनको राजनीतिक विकास भी दिया जा रहा है, हम लोगों का राजनीतिक विकास भी नहीं हो पा रहा, जो मूलभूत हमारे पिछड़ेपन का कारण है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे होंगे तो निश्चित रूप में समाज का विकास होगा। वाल्मीकि समाज का अभी भी कोई गवर्नर नहीं बना। पिछली बार मैंने राज्यसभा की मांग उठाई, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का, अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे समाज की एक बेटी को, सुमित्रा वाल्मीकि को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा। मैंने ये विषय उठाया अपनी पार्टी में, आवाज़ तो नहीं उठती संसद में, नहीं बोली है वो, तो लोकसभा में है सर। सीवर में देखिए, सीवर में अभी 400 लोग मरे, जो अठावले जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया, तो हमारा सरकारों से निवेदन है, जब मैनुअल स्केवेंजर एक्ट 2013 बन चुका है, तो मशीनों के माध्यम से सफाई होनी चाहिए सीवर की, सेप्टिक टैंक की, जो अधिकारी लोग नहीं करा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी भी इसके लिए जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं चाहते कि सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लोग भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। जो ठेकेदार ठेका लेते हैं, उनसे मैं लगातार इस विषय को उठा रहा हूं पूरे देश में, कि ठेकेदारी प्रथा के कारण पूरे देश में सफाई मजदूरों का बहुत घोर शोषण हो रहा है, ये शोषण बंद होना चाहिए, हमको आरक्षण में भागीदारी। आपको नहीं लगता जो छुटवइये नेता है सर, जो अगर अभी तक जो वाल्मीकि कम्युनिटी ने जो नेतागिरी की है वो निगम में की है, और क्या आप मानते हैं कि वो निगम के जो नेता हैं उन्होंने बर्बाद किया पूरी कम्युनिटी को? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहूँगा, व्यक्ति विशेष पे नहीं है सर, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारी वास्तव में बहुत सारी यूनियन है, वो समय समय पर मांग डिमांड तत्कालिक आंदोलन भी करते हैं। सरकार
या अधिकारियों के दबाव में आकर कई बार वो अपने आंदोलन भी तोड़ देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यूनियनों को भी अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पूरे देश में जो है सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उनको आत्मचिंतन करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता है। और सरकारों को भी यह समझने की आवश्यकता है कि ये वर्ग इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, सामाजिक समरसता हमारे लिए भी होनी चाहिए, हमारे लोगों को भी सरकारों में उच्च पदों पर बैठाना चाहिए। अनेकों लोग योग्य हैं, अनेकों लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में नौजवान आ रहे हैं, लेकिन भेदभाव सर हैं, प्रोफेसर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, भेदभाव के कारण उनका चयन नहीं हो पाता, रोजगार के लिए उनका चयन नहीं हो पा रहा। अभी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं हमारे, लेकिन ये तरक्की अभी नाकाफी है, क्योंकि जब आप सफाई वाले का वेतन ही समय से नहीं दोगे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ग्रेचुएटी नहीं दोगे, तो ये समाज निश्चित तौर पर नीचे जाएगा। मैं अपने समाज के लोगों को भी एक संदेश देना चाहूँगा इस सम्मेलन के माध्यम से। अगर सरकारी नौकरियाँ कम हो रही हैं तो कम से कम स्वरोजगार हमारे लोगों को अपनाना चाहिए। 50 लाख तक के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से ऋण दिए जा रहे हैं। हमारे युवाओं को केवल सफाई के कार्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे अन्य समाज के लोगों ने अपने कार्यों को छोड़ा है और दूसरे कार्यों में गए हैं, हम लोगों को भी स्वरोजगार जो आधुनिक समय की मांग है हमको अपनाना होगा। हमें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ये रोजगार के अवसर तलाश करने होंगे। एक लास्ट सवाल है मेरा, जो वाल्मीकि कम्युनिटी है, युवा वर्ग है, जो वो लगातार पिछलग्गू बना हुआ है तमाम पार्टियों का भी और तमाम संगठनों का भी, जबकि अगर वो एक जगह इकट्ठा हो जाए तो पूरे देश में उसकी आवाज़ जा सकती है, उन तमाम युवाओं को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किसी भी समाज की जो प्रगति होती है वो युवाओं के माध्यम से होती है। कोई भी आंदोलन या रणनीति अगर बनाते हैं तो युवा लोग बनाते हैं। युवा लोगों को, चाहे मैं तो कहता हूँ किसी भी दल में रहें, मैं भी युवा समय से राजनीति में आया था, 18 साल की अपनी नौकरी छोड़ी थी, बिजली विभाग में अच्छे पद पे था, लेकिन मैंने निरंतर समाज की आवाज़ को उठाया है। 1998 में हमने लाल किले पर रैली की, अनेकों रैलियाँ, सम्मेलन, आंदोलन, जब ये छठा वेतनमान हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने लागू करा था, फोर्थ क्लास की पद खत्म करा था, हमने राष्ट्रीय बाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के बैनर के तले संसद भवन पे भी धरना और प्रदर्शन किया था। तो समय समय पर हम लोगों ने सड़क से संसद तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रीय बाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा केंद्र व प्रदेश सरकारों से मांग करता है कि वाल्मीकि समाज को भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, दिया जाए, हमारा विकास होना चाहिए, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। जब सबको स्थायी रोजगार है तो हमको ठेकेदारी प्रथा में क्यों धकेला जा रहा है? भगवान वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता के कल्याण का संदेश दिया है, अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, हम उसका भव्य स्वागत करते हैं। वाल्मीकि समाज की ओर से श्री राम के प्रति हमारी अटूट आस्था है, तो श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा लगाई जाए, भगवान वाल्मीकि जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, सफाई कर्मचारी आयोग को जिस प्रकार से महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, मानव अधिकार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी हमारी केंद्र की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया है, तो मेरा अभी राष्ट्रीय बाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे की ओर से पुरजोर मांग है कि हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हों या स्टेट के आयोग हों, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आम तौर पर देखा जाता है, मैं खुद आयोग का चेयरमैन रहा हूँ, कई बार अधिकारी भी जो है आयोग को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल कड़वा सच है। आयोगों की रिपोर्ट को संसद और विधानसभाओं में नहीं रखा जाता, ना पढ़ा जाता, ना उसकी सिफारिशों को माना जाता, तो ऐसे आयोग के बनने का क्या लाभ है? यदि वास्तव में ईमानदार तरीके से सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करना है तो वाल्मीकि समाज के लोग, जो इसके सफाई मजदूरों के दुख दर्द को जानते हैं, उनको पदाधिकारी बनाया जाए, आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, वाल्मीकि समाज के लोगों को भी उच्च पदों पर बैठाने की एक शुरुआत होनी चाहिए। मोदी जी ने राज्यसभा में भेजा, इससे पहले भी केएल वाल्मीकि जी को भेजा था, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हमारा लोग होने चाहिए। हमारा एक भी मंत्री जो है आज़ादी के बाद नहीं बन पाया अभी तक,
तो निश्चित तौर पर बनना चाहिए, पूरे देश में एक राज्य मंत्री है। ये दुखद स्थिति है, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, अनु वाल्मीकि प्रधान को कैबिनेट मंत्री बनाए, ये हमारी मांग है, अन्य राज्यों में भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और सम्मान मिलना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, पार्टी के संगठनों में भी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। यही आज हमारे राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के जो हम कार्यक्रम किया है, हम मोदी जी का अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ बनाने के लिए भी धन्यवाद देते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। कांग्रेस ने मोदी जी को सम्मान नहीं दिया था, लेकिन मोदी जी और हम जो भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर जी को सम्मान दिया, संयुक्त मोर्चे की सरकार में भारत रत्न दिया, तो ये सब चीज़ें भी आज समाज देख रहा है। ये काम कांग्रेस ने 60 साल राज किया था तब भी हो सकते थे, लेकिन नहीं किए गए। बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया गया, अगर वाल्मीकि तीर्थ बनता है अमृतसर में तो वो भी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार में बनता है। अगर आज संत रविदास जी का जो है जन्मभूमि वाराणसी में अगर स्मारक बन रहा है तो वो भी मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं उसका लाभ सभी वर्ग के लोग ले रहे हैं, हमारे समाज के लोग भी ले रहे हैं, चाहे वो फ्री राशन की योजना हो, कोरोना वैक्सीन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन खातों की बात हो, चाहे हमारे जो टॉयलेट्स बनने की बात हो, ये तमाम कार्य ऐसे हैं कि जिससे हमारे लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। मैं समाज के युवाओं से बस एक ही आग्रह करना चाहूँगा, स्वरोजगार को भी अपनाएं, केवल सफाई को ही अपनी तकदीर और अपना पुश्तैनी कार्य जो मानने की मानसिकता, इससे ऊपर उठें, अन्य समाज भी अपने कार्यों को, पुश्तैनी कार्यों को छोड़कर आगे बढ़ें। हम लोगों को भी एक टेस्टिंग करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप योजना शुरू की है, मुद्रा योजना शुरू की है, उसके माध्यम से जैसे अनुसूचित समाज के अन्य जातियां लाभ ले रही हैं, हमारे समाज के युवाओं को भी लाभ लेके अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाना चाहिए, ताकि समाज का चौमुखी विकास हो सके। अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षा दिलानी चाहिए, ये हमारा संकल्प है, शिक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये भगवत प्रसाद मकवाना जी थे, तमाम बातें आपने सुनी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम बातों को लेकर, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।